नमस्कार राम, आदाब। समाचारों के साथ मैं हूं निमन बनीवाल। गोलन हाइट्स के लिए सेवा प्रदान कर रहे फिजी के सैनिकों बिल्कुल सुरक्षित हैं। लैंड फोर्स कमांडर कर्नल मोसेसे तिकुइतोंगा का कहना है कि वे सैनिकों का पता हमेशा लगाते रहते हैं तथा वे यही कह सकते हैं कि इस मिशन के लिए गए हुए फिजी के सभी सैनिकों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिजी के सैनिकों के लिए एक ही बड़ी समस्या है और वो है काफ़ी बड़े इलाके पर नज़र रखना। लेकिन लैंड फोर्स कमांडर ने बताया कि केवल 182 सैनिक पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से वे अतिरिक्त 318 सैनिकों को यूनियन भेजने के लिए बातें कर रहे हैं। सीरिया के लिए गए हुए सभी मेडिकल पर्सनल भी सुरक्षित हैं। फिलहाल कैबिनेट ने फिजी मिलिट्री फोर्सेस के लिए 2 और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की स्वीकृति दे दी है। इसकी पुष्टि एफबीसी न्यूज से लैंड फोर्स कमांडर कर्नल मोसेसे तिकुइतोंगा ने की है। कर्नल तिकुइतोंगा ने बताया कि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इस साल के लिए के अंत या अगले साल तक किया जाएगा। उन 2 युवा लोगों का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा जिनकी हत्या पिछले सप्ताह लंबा समय की गई। 17 वर्षीय श्यामल नंद तथा 21 वर्षीय अभिषेक कुमार की लाशें रविवार की सुबह तांबिया लंबासा में मिली थी। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों का पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत शरीर में ज्यादा चोट लगने से हुई। और खेलकूद में फिजी सेकेंडरी स्कूल्स 100 मीटर्स बॉयज चैंपियन बेनियामिनो मरावू को पैसिफिक मिनी गेम्स में भाग लेने के लिए 12 मेंबर रग्बी सेवन्स टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा टीम के स्कीपर लेवानी बोतिया, चसा वेरमालुआ, सकियु संगाविंदी तथा चोनेवोता जैसे खिलाड़ी भी खेलेंगे। टीम को अलीफेरे तिंदेरे कोच कर रहे हैं तथा इसे रयावा टीम मैनेजर के पद संभाल रहे हैं। और ये थे आज के समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।